नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक लेके आई हूँ आपके पास। आज मैं गणेश भगवान जी का त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार है। महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब कोई त्यौहार किसी सीमा बाधा में नहीं है। हर हिंदुस्तानी खुल के हर त्यौहार मनाता है। तो चलिए आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से गणेश भगवान जी के लिए मोदक। भगवान गणेश सब पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। ये देखिए हमारे मोदक, हमने 3 कलर में मोदक बनाए हैं। हरे बनाए हैं, सफ़ेद बनाए हैं और पीले बनाए हैं। ये देखिए हमारे मोदक कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने अच्छे बने हैं। और इसमें मैंने अच्छे से खोया फिल करके बनाया है, जिससे हमारे गणेश भगवान खाएं और जल्दी से प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। यहाँ पर मैंने देखिए 1.5 लीटर दूध लिया है। ये दूध हमारा भैंस का है, गाय का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, इसलिए मैंने भैंस के दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने इसको हाई फ्लेम पे बॉयल होने को रख दिया है। कम से कम 25 मिनट मुझे लगा है इतना दूध को वो करने में। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, देखिए दूध हमारा खोए के रूप में आ चुका है। अब हमें इसे ज़्यादा वो नहीं करना है। यहाँ पर देखिए देसी घी है, थोड़े से काजू हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सूजी लिया है, ये नारियल है कोकोनट पाउडर, और यहाँ पर गुड़ है, वो थोड़ा सा मखाना था। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है, मैंने मखाने डाल दिए हैं, काजू भी इसमें मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। मैंने इलायची भी इसमें डाला था, लेकिन दिखाते समय मैं भूल गई थी, नहीं दिखा पाई थी उसको, मैं शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पर मैंने देखिए सूजी का पाउडर भी ले लिया है, सूजी भी मैंने डाल दिया है। अच्छे से हमें इसे धीमी आँच पर भूनना है। हमारा ये सब तैयार हो गया था भून के, तो मैंने देखिए गुड़ लिया था। गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हैं। जो मैंने खोया बनाया था गुड़ मैंने उसके ऊपर रख दिया था, और जो मैंने ये सामग्री कहते तैयार की है रोस्ट करके, मैंने गुड़ उसके ऊपर डाल दिया है कि धीरे धीरे गुड़ हमारा पिघलता रहे। गुड़ की एक भेली टाइप की थी, तो मैंने उसको कद्दूकस से कस कर लिया था, इसलिए हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया था। ये देखिए मेरा दो इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है थोड़ा सा, 2 चम्मच, और यहाँ पर मैंने एक कटोरी के नाप से दूध डाला है, और थोड़ा सा हमने पानी डाला है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के आसपास चावल का आटा लिया है। हमारे दूध में एक बॉयल आ गया है, तो मैंने चावल का आटा इसमें डाल दिया है अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। और प्लीज़ जब तक हमारा चावल का डो तैयार हो रहा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारे मोदक कैसे अच्छे लगे हैं, कितने अच्छे लगे हैं। ये देखिए मेरा एक चावल का डो बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। अभी ये हमारा डो बहुत गर्म है, इसलिए हम इसको नहीं छुएंगे, थोड़ी देर बाद हम इसको। यहाँ पर आप बोलेंगे 3 भाग में क्यों किया है, तो क्योंकि हमने मोदक 3 कलर में बनाए थे। अगर आप 1 कलर में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। ठंडा होने के बाद देखिए हमने इनको अच्छे से मैश कर लिया है, ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो बिगर फूड कलर के भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अब मोदक कई प्रकार के होते हैं, खाली खोए के भी होते हैं, चावल के आटे के भी होते हैं, जैसे आपको समझ आए वो बनाइए। मैंने यहाँ पर चावल के आटे से बनाए, देखिए 3 कलर का मैंने आटा तैयार कर लिया है। ये मोल्ड है मोदक का, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये देखिए इस तरीके से हाथ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड था तो मैंने, ये देखिए जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो मेरा मिश्रण बनके इस तरीके से तैयार होता है। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी लोई बना ली है इस मिश्रण की, कि फिल करते समय हम लोगों को आसानी हो और हमारा जो चावल का आटा तैयार है वो गंदा ना हो। देखिए मोल्ड में हमें घी लगा लेना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना है हमें। ये देखिए हमें आटा कम ही इस्तेमाल करना है, बहुत आटा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें जो हमने मिश्रण तैयार किया है नारियल बुरादा ये सब, तो वो भी हमें फिल करना है इसके अंदर। ये देखिए जब मैंने चावल के आटे को अच्छे से फिल कर दिया है, उसके बाद में मैंने इसमें अच्छे से सारा मिश्रण फिल कर दिया है कि हमारे मोदक अच्छे से फिल हो जाए, हमारे गणेश भगवान को मोदक हमारे बहुत पसंद आए। ये देखिए कितना सुंदर शेप में हमारे मोदक बन के निकले हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे मोदक हैं। एक बार ज़रूर आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, गणेश भगवान खा के बहुत खुश होंगे। ये देखिए और बहुत आसानी से बन जाता है।
ये देखिए इस तरीके से। और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करिएगा आप लोग, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए हमारे मोदक किस तरीके से कितने आसानी से बन के सब निकल जा रहे हैं। ये देखिए हमारे मोदक बन के इस तरीके से तैयार हो गए और हमारे गणेश भगवान जी भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये देखिए कितने सुंदर कलर लग रहे हैं हमारे मोदक के। एक बार जरूर आप भी ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर भी करिएगा आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फुल वॉच कीजिएगा प्लीज। ये देखिए मोदक मेरे कितने सॉफ्ट बने हैं और कितना सुंदर मैंने फिल किया है इनको। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।